हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं बुद्ध बाजार में और ये कोस्टल हाईवे के पास पड़ने वाली मार्केट है। यहाँ पर आए हुए रात में कैसा क्या पूरा माहौल है, किस तरह से पूरी मार्केट लगती है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और दिखाते हैं कि यहाँ की मार्केट में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो अभी मैं जस्ट मार्केट के पे पहुँच ही गया हूँ, चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बबल से लाए हो तुम? हाँ। चलो भाई दिखाते हैं, और आप लोगों को यहाँ पे आना है तो भाई आ सकते हो। दमन की जो है काफ़ी फेमस मार्केट है बुद्ध बाजार, और सोमवार की जो मार्केट है वो, तो चलो दिखाते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सामने है कोस्टल हाईवे, वो अगर आप देखोगे वो सामने गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो है कोस्टल हाईवे। और कोस्टल हाईवे से आप देख लीजिए महज 100 या 150 मीटर की दूरी पे ये संडे मार्केट जहाँ पे लगती है वो कोस्टल हाईवे। उधर से जाओगे ना तो उधर पे जाने पे संडे मार्केट है, और ये कोस्टल हाईवे से अगर आप इधर पे आते हो तो यहाँ पर लगती है ये बुद्ध बाजार। तो चलो आप लोगों को ये मार्केट दिखाता हूँ। वैसे रात काफ़ी है तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, वाइड एंगल पे मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी में काफ़ी जो है डिफरेंट आ जाएगा। तो हमने कहा चलो क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन नॉर्मल मोड पे मैं जो है इस वीडियो को शूट करने वाला हूँ। शुरुआत में ही आपको जो है काफ़ी सारे फास्ट फूड और फ्रूट की दुकानें मिल जाएंगी। सेब चल रहा है 100 रुपये किलो, अभी केला 40 रुपये, वही नॉर्मल सा रेट। तो शुरुआत में जो है फ्रूट की दुकानें मिल जाती हैं, इसके बाद कवर वगैरह की जो है दुकानें। और आप लोग देखिए काफ़ी मतलब काफ़ी फेमस मार्केट है बुद्ध बाज़ार, और मैं तो भाई काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ। 10 रुपये में खुशबू भी मिल रही है, बाकी अचार घड़ी वगैरह और कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। तो चलो आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को बुद्ध बाजार दिखा रहा हूँ, जूते चप्पल वगैरह 100-100 रुपये में, 50-50 100-100 रुपये में, कवर 100-100 रुपये में, बढ़िया देख रहे हो भाई। ये कपड़े वगैरह लोअर वगैरह 150-150 रुपये में मिल जाएंगे, ये देख रहे हो इस तरह से। इधर पे कोई कपड़ा वपड़ा ही जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, घड़ी वगैरह जो है 100-150 रुपये में घड़ी है, देख रहे हो ये। और कुछ बिसात खाने की दुकानें हैं, रश्मि और आर्स उधर पे हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी पहले मैं आप लोगों को मार्केट दिखा देता हूँ, नहीं तो वो पीछे लग जाएगा। चप्पलें वगैरह 100-100 रुपये में आप लोगों को मिलने वाली है, जूते 250-250 रुपये, बाकी ये देख रहे हो ये कुछ मार्केट के अंदर आ चुके हैं और इधर से आए हुए थे। बाकी यहाँ पे देखो भाई दुकानें काफ़ी सारी लगी हुई है इधर पे चारों तरफ, अंदर जाने पे जो है पूरी मार्केट आपको दिखेगी अच्छे से। भाई मैं चला गया था इंट्रो शूट करने के लिए, मतलब इंट्रो का है स्टार्टिंग का जो है आप लोगों को दिखाने के लिए, और आर्स भाई साहब रोना शुरू कर दिया। काय रो रहे थे तुम, हैं बताओ क्यों रो रहे थे बताओ? आर्स ए आर्स, मम्मी आ जाएंगी, आओ तुमको मेला दिखाते हैं यार पहले। चलो भाई बैक कैमरा चालू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से पूरी मार्केट लगी हुई है और काफ़ी सारी दुकानें हैं। बाकी देख सकते हो इधर पे थोड़ा गीला गीला सा माहौल दिख रहा है, और साप्ताहिक मार्केट है भाई, सप्ताह में सिर्फ एक ही बार लगती है बुद्ध बाजार को, तो बुद्ध बाजार के दिन ही ये पूरी मार्केट लगती है। और थोड़ा कैमरे का दिक्कत आ रहा है भाई, स्टेबलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत है, आर्स को भी लिए हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ दिखाई दूँ, आया हूँ तो इतनी दूर, बाकी मैनेज कर लीजिएगा भाई, क्वालिटी वगैरह थोड़ी सही से नहीं आएगी। भाई मार्केट के अंदर आ चुके हैं और अभी थोड़ा फ़ोन ठीक ठाक वर्क कर रहा है। यहाँ पे भाई देख रहे हो लहंगे वगैरह मिल रहे, तो सामान तो काफ़ी। इधर पे सब्ज़ी वाली मार्केट है, बाकी इधर से उधर तक जो है जहाँ पे मैं बीच में खड़ा था वहाँ पर कपड़े वाली मार्केट है, इधर पे भी कपड़े की मार्केट है, तो थोड़ा साइड से घूम के आपको दिखा ही देता हूँ। परफ्यूम कपड़े और टी शर्ट वगैरह बच्चों के कपड़े वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। बाकी भाई मैं क्या करूँ, अभी दिन में किसी दिन आऊँगा जिस दिन छुट्टी वट्टी होगी बुधवार के दिन, तो फिर मैं आप लोगों को जो है दिखाऊँगा, क्योंकि बुद्ध बाज़ार की मार्केट भाई काफ़ी फेमस है। और अभी तो काफ़ी सफरी जगह हो गई क्योंकि काफ़ी सारी दुकानें लग रही हैं, देख रहे हो कपड़े की दुकानें, ये बच्चों के कपड़े 100-150 रुपये मिलते हैं, फ्रॉक वगैरह टॉप्स वगैरह पापड़ वगैरह, ये देख रहे हो खुले खड़े मसाले भाई, ये देख कुर्ती वगैरह 200-200 रुपये में।
ये इधर पे लगती भाई सब्जी मंडी। और रश्मि ने सब्जी लिया कि नहीं लिया वो मुझे नहीं पता है, चलो देखता हूँ पूछता हूँ और जैसा है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आर्स तो भाई साहब कह रहे हैं मम्मी ने सब्जी लिया है, अब बता नहीं रहे क्या लिया है। क्या लिया है मम्मी ने सब्जी, बोलो आर्स क्या लिया है मम्मी ने सब्जी, ये बताओ क्या लिया है। बोलो तुम बोलो, तुम तो बोल रहे हो कि हाँ मम्मी ने सब्जी लिया है। मम्मी ने क्या सब्जी लिया, तुमने बताया नहीं। ये सब्जी मंडी है, तो भाई अंदर की तरफ से घूम के आ गए हैं और आर्स बोले कि मम्मी ने सब्जी ले लिया है, बता नहीं था क्या क्या लिया है। क्या क्या लिया मम्मी ने, बोलो हैं क्यों क्या क्या लिया बताओ, बताओ कि नहीं क्या आर्स। और भाई क्या करें अभी इनकी वजह से वीडियो हमारा बन ही नहीं पा रहा है। एक तो एक हाथ से इनको लेके चलो और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ो, तीसरा हाथ कहाँ से लाओ बताओ, लोगों को भी देखना है। तो भाई यही है यहाँ की बुद्ध बाजार, थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को दिखा दी है। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रश्मि को मैंने यहाँ पे छोड़ा था तो देखता हूँ कहाँ पे है, अभी वहीं पे होंगी, एक ही दुकान पे आधा घंटा इनका निकल जाता है। अरे कहाँ गई मम्मी बेटा, चलो फ़ोन कर। फिलहाल अभी बुद्ध बाजार मार्केट से आ चुके हैं और आज ने क्या लिया है, एप्पल लिया है। अरे वाह, बबल्स भी लिया है। हाँ। तो आर्स ने लिया है एप्पल और बबल्स, और हमने तो भाई कुछ नहीं लिया है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो छोटा सा बनाया है मैंने, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो शेयर करो, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और कुछ जानना है तो कमेंट्स करो यार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।